नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अरबी का उपयोग करके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फलाहारी पराठा बनाना सीखेंगे। इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। फलाहारी पराठा बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम अरबी को पानी से अच्छे से धोकर कुकर में ज़रूरत मुताबिक पानी लेकर उसे 2 सीटी हो तब तक प्रेशर कुक कर लिया था। कुकर का प्रेशर कम हो फिर अरबी को एक प्लेट में निकाल कर वो रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर हम उसे छील लेंगे। अरबी एक लो फैट कंदमूल है और हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग व्रत उपवास में आलू खाना पसंद नहीं करते, वो इस तरह से अरबी का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की फलाहारी रेसिपीज बना सकते हैं। इस तरह के बड़े छेद वाले ग्रेटर की मदद से हम अरबी को कद्दूकस करेंगे। आप उसे मैश करके भी ले सकते हो, लेकिन कद्दूकस करोगे तो पराठे का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। अरबी में फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इस तरह से हमने सारी अरबी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस की हुई अरबी को एक मिक्सिंग बोल में लेकर उसमें 4 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर ऐड करें, जिससे पराठे अच्छे से क्रंची बनेंगे। आधा चम्मच भुना हुआ दरदरा पिसा हुआ जीरा ऐड करें। 1 बड़ा चम्मच या स्वादानुसार अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें। उसी जगह पर आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करें और 1 बड़ा चम्मच फ्रेश दही ऐड करें। इसमें आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। जिन लोगों को अरबी खाना पसंद ना हो, वो इसी तरह से उबले हुए आलू या उबले हुए जिमीकंद का उपयोग करके भी पराठे बना सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर बाइंडिंग के लिए हम उसमें 3 बड़े चम्मच सिंगाड़े का आटा और 2 बड़े चम्मच राजगिरा का आटा ऐड करके सब कुछ अच्छे से मिक्स करके मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। हमने उबली हुई अरबी का उपयोग किया है, इसके कारण उसमें मॉइस्चर होता है और 1 टेबलस्पून हमने फ्रेश दही भी ऐड किया है, इसलिए आटा गूंदने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आटा गूंदने के बाद हम उसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का तेल ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से चिकना करेंगे। ये आटा गूंदने के बाद हमें उसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, वरना वो ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब जितनी साइज के आपको पराठे बनाने हो उसके मुताबिक आप आटे में से लोई काटे। अभी हम मीडियम साइज के पराठे बना रहे हैं, तो इतने आटे में से 5 नंग पराठे तैयार हो गए। तैयार की हुई लोई के ऊपर सिंगाड़े का सूखा आटा कोट करें और चकले के ऊपर रखकर मीडियम थिक साइज के पराठे बेल लें। हमने आटा सॉफ्ट गूंदा है, इसलिए पराठे ज़्यादा पतले ना बेले, वरना वो फट जाएंगे। इस तरह से सूखा आटा कोट करते जाए और उसे हल्के हाथों से बेलते जाए। व्रत उपवास के दिन हम शाम को साबूदाना की खिचड़ी या फलाहारी पेटीज बनाते हैं, लेकिन कम तेल में और आलू के उपयोग किए बिना कुछ हेल्दी नाश्ता आपको बनाना हो तो आप ये अरबी के फलाहारी पराठे जरूर ट्राई कर सकते हैं। पराठे को सेकने के लिए गैस पर एक नॉनस्टिक तवा गर्म करें और तवा अच्छे से गर्म हो जाए फिर ब्रश की मदद से थोड़ा तेल अप्लाई करें। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पराठे को दोनों साइड से अच्छा सा लाइट ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक सेक लें। नीचे की साइड से थोड़ा रंग उसका बदले, फिर स्पैचुला की मदद से पलट कर दूसरी साइड थोड़ा तेल अप्लाई करें और दोनों साइड से और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, उस तरह से उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लिप करते जाए। एक पराठे को सेकने में करीबन 4 मिनट का समय लगता है। तो व्रत उपवास के दिन आप ये पराठे की रेसिपी घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस तरह से अरबी का फलाहारी पराठा अच्छे से सीख गया है, उसे एक प्लेट में निकाल ले और सेम इसी तरह से हम बाकी के पराठे को भी सेक लेंगे। गर्मा गर्म पराठा को मैंने फलाहारी ग्रीन चटनी और मसाला दही के साथ सर्व किया है। आप उसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।